अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम टेकिंग योर इंग्लिश लैंग्वेज क्लास एंड टुडेज आर टॉपिक इज़ प्रीफिक्सेस विच इज़ ऑन पेज नंबर 93। सो फॉर दिस पर्पज़ यू विल हैव टू ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक विच यू विल कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी बुक अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक। सो काइंडली ओपन द इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड गेट द टॉपिक prefixes which is on page number 93। okay class, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है prefixes, जिसे हम उर्दू में कहते हैं साबके। इससे पहले आपने suffix पढ़े थे जो उर्दू में इसका मतलब बनता था लाहके, लेकिन आज हम prefix को cover करेंगे। prefixes क्या होते हैं, जिसे हम उर्दू ज़बान उर्दू लैंग्वेज में कहते हैं साबके, अब ये होते क्या हैं ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, वी समटाइम्स ऐड अ पेयर और ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, दीज आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। इसका मतलब ये है कि हम समटाइम्स कोई अल्फ़ाबेट्स या कोई अ पेयर और ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स, कोई वर्ड्स या कोई अल्फ़ाबेट्स हम किसी भी वर्ड के बिगनिंग में अगर ऐड कर दें और उसके ऐड होने से अगर किसी जो मेन वर्ड था उसका मीनिंग बदल जाए तो वो कहलाता है प्रीफिक्स। मतलब जो सफिक्स होते थे वो हमेशा मेन वर्ड के बाद ऐड होते थे। जैसे वर्ड है बेटर, उसके लास्ट में अगर हमने ऐड किया MENT मेंट तो बन गया बेटरमेंट। वर्ड था सर्वाइव, हमने लास्ट में AL यूज़ किया तो बन गया सर्वाइवल। तो वो थे सफिक्स जो आपने चैप्टर 2 में पढ़े थे, लेकिन ये हैं प्रीफिक्स। इसमें हम जो मेन वर्ड होगा उसके बिगनिंग में कुछ वर्ड्स कुछ अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे, हम इट्स मीन के ऐड करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसके ऐड होने से उसका जो होल मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वर्ड है ट्राई, ट्राई इज़ द मेन वर्ड, लेकिन अगर इसके आगे हम री ऐड कर दें, देखें इज अ साइन ऑफ एडिशन, री ट्राई, री प्लस ट्राई इज इक्वल्स टू रिट्राई, मिस प्लस स्पेल इज इक्वल्स टू मिस स्पेल, री प्लस ग्रुप इज इक्वल्स टू रिग्रुप, मिस प्लस ट्रस्ट इज इक्वल्स टू मिस ट्रस्ट। मतलब ये कि जो ये कॉन्सेप्ट है प्रीफिक्स का बहुत आसान है, बिल्कुल बेसिक ग्रामर ही है। वी कैन ऑल्सो यूज़ अ प्रीफिक्स टू फॉर्म अ अपोजिट ऑफ अ वर्ड जस्ट लाइक दिस, के एग्जांपल डिस जॉइन वर्ड है, और अगर हमें इसको अपोजिट बनाना हो तो अगर हम डिस उसके आगे ऐड कर दें तो हो जाएगा उसको अपोजिट, डिस जॉइन, जॉइन डिस जॉइन इज अ वर्ड अपोजिट, डिस प्लस अलाउ इट्स बन जाएगा डिस अलाउ, यू एन अन प्लस टाइडी तो बन जाएगा अनटाइडी, अनक्लियर इज इक्वल्स टू अन प्लस क्लियर इज इक्वल्स टू अनक्लियर। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी मेन वर्ड, ट्राई इज द मेन वर्ड, स्पेल ग्रुप ट्रस्ट जॉइन टाइडी अलाउ क्लियर, ये मेन वर्ड्स थे, इनके आगे हमने कुछ लेटर्स या कुछ वर्ड यूज़ किए, जैसे री इज़ अ टू लेटर वर्ड, MIS मिस इज़ अ थ्री लेटर वर्ड, DIS डिस इज़ अ थ्री लेटर वर्ड। कुछ वर्ड या कुछ अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ करें जिसकी वजह से उसका मेन मीनिंग जो है वो चेंज हो जाए तो इसे कहते हैं हम प्रीफिक्स। ओके, मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4, फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस बाई यूजिंग द प्रीफिक्स RE। हमें इन्होंने क्या ऐड करने के लिए दिया, RE विद द appropriate given words, for example one has been done as an example। अच्छा, आपके लिए इन्होंने words दिए help के लिए, tell, do, claim, apply, print, arrange। हमें क्या करना है, ये जो 6 words दिए हुए हैं और 6 words के साथ 6 blanks भी दिए हुए, मतलब 6 sentences दिए हुए हैं जिसमें से कुछ चीज़ें blank हैं, हमें इन words की help से इन blanks spaces को fill up करना है। The government is trying to reclaim land from the sea in Karachi। अब वर्ड था क्लेम,
ये वर्ड था क्लेम, इसके आगे आर ई री एड हो गया तो बन गया रिक्लेम. ओके देन द कंपनी हैड टू रीप्रिंट दिस बुक 3 times. मेन वर्ड था प्रिंट, इसके आगे आर ई री हमने ऐड किया तो बन गया रीप्रिंट. आई एडवाइज माई फ्रेंड टू री अप्लाई फॉर अ टीचिंग पोजिशन इन आर स्कूल. माई फादर लाइक्स टू, मेन वर्ड था टेल, हमने आर ई री ऐड किया तो बन गया री टेल हिज चाइल्डहुड स्टोरीज टू हिज ग्रैंड चिल्ड्रन. सायरा एंड खालिदा डिसाइडेड टू री अरेंज द फर्नीचर इन दियर रूम. द टीचर टोल्ड द क्लास टू रीडू द एक्सरसाइज. मेन वर्ड था डू, इसके आगे री लग जाएगा तो रीडू मतलब कोई काम दोबारा से करना. तो ये एक्सरसाइज मैंने आपके लिए सॉल्व की, एक्सरसाइज 4 की ए पार्ट. एक्सरसाइज बी का जो पार्ट है वो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ आपसे. जस्ट हैव अ लुक. फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस बाय यूजिंग द प्रीफिक्स मिस. देयर इज अ प्रीफिक्स MIS मिस विद द अप्रोप्रिएट गिवन वर्ड्स. तो अब हमें क्या करना है, जो भी वर्ड्स हमें दिए गए होंगे उसके साथ हमें मिस ऐड करना है शुरू में. When children misbehave, वर्ड था बिहेव, हमने मिस लगाया तो बन गया misbehave. They are often punished by their parents. My brothers always misplace, वर्ड था place, मिस लगाया तो बन गया misplace their mobile phones. There is a mismatch between their income and expenditure. Mismatch, match is a main word and MIS miss is a prefix. तो prefix plus main word is equals to mismatch. Many people misunderstand their leader's message. It is not right to mistreat servants. तो एक्सरसाइज बी भी बहुत आसान थी एक्सरसाइज ए की तरह, और एक्सरसाइज सी भी बहुत आसान है. एक्सरसाइज सी इज़ योर होमवर्क. एक्सरसाइज सी आप खुद से सॉल्व करें. इसमें है INTER इंटर, वर्ड्स हैं नेशनल, फेथ, पर्सनल, सिटी, डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट, इंटर सिटी, इंटरपर्सनल, इंटरफेथ, इंटरनेशनल. तो ये 5 जो वर्ड्स हैं, जो 5 वर्ड्स हैं, तो इन्हें आपने क्या करना है, ब्लैंक्स में फिलअप करना है अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस. होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट हमारा समझ आया होगा. ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी था. प्रीफिक्स को हम साबके के नाम से हमने बचपन से पढ़े हैं, साबके और लाहके. तो प्रीफिक्स क्या है, साबका है. साबका मीन्स पहले आने वाली चीज़, ठीक है. तो मेन वर्ड के हमेशा आगे, मतलब शुरू में हम वर्ड को जो यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं, वो प्रीफिक्स कहलाता है. तो आप क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करेंगे. क्या है एक्सरसाइज 4 ए बी सी, तीनों पार्ट्स, ए के बाद बी पार्ट, बी के बाद जो सी पार्ट है, तीनों एक्सरसाइजेस आप अपने स्कूल के ग्रामर के फेयर रजिस्टर्स में कॉपी डाउन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और स्कूल में अपने प्रिस्क्राइब डेज में सबमिट करेंगे. होपफुली आपको ये जो हमारी वीडियो है आज की, जो हमारा टॉपिक है, वो समझ आ गया होगा. ओके और कोई भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग, किसी भी वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें क्लासरूम ऐप में हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, तो जब तक आपके स्कूल्स ओपन नहीं होते तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.